हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ट्यूसडे मार्केट क्लोज हो चुका है, तो अभी देखेंगे हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट दिया कि नहीं, और कल है वेडनेसडे, वेडनेसडे का मार्केट कैसा होगा वो भी एनालाइज करेंगे। उससे पहले बता रहे थे प्रीमियम ग्रुप में आज हमने कितना प्रॉफिट बुक किया। प्रीमियम ग्रुप में आज हमने 35K प्लस प्रॉफिट बुक किया है। ओके, 35K प्लस। अगर आपको जानना है कौन कौन सा स्टॉक और इंडेक्स पे हमने काम किया था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल पे सारा कॉल्स मैंने फ्री में दे दिया है। अगर आप ज्वाइन होते ऑलरेडी तो अच्छा खासा प्रॉफिट आज भी बुक कर लेते हैं, तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ और कल से ही प्रॉफिट बुकिंग का फायदा उठाओ। और गाइस, अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हो तो क्रिसमस स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप का डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिनिमम सा फीस है, पे करके मैक्सिमम प्रॉफिट हर रोज जनरेट कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हो उससे पहले वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिल पाए। तो गाइस देखो, मैंने सिंपली कल क्या बोला था, मैंने आपको लेवल्स प्रोवाइड किया था, बट मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। ओके, कैसा लेवल्स दिया था, 34,475 के ऊपर आपको मार्केट में एंटर करना था बाइंग साइड के। ओके, और 34,017 के नीचे आपको सेलिंग साइड के लिए एंटर करना था, बट मार्केट गैप अप ओपन हुआ। और मैंने बोला था कल कि मार्केट कंटिन्यू ट्रेंडिंग हो रहा है, तो आज शायद थोड़ा सा वोलेटाइल रहे, साइडवेज रहेगा। ओके, तो मार्केट आज साइडवेज, जैसा ये फर्स्ट कैंडल जो है पिन बार जैसा कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद धीरे 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 थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाकर थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट करके मार्केट दोबारा नीचे गिर गया। तो हमने प्रॉफिट कब कैसे बुक किया वो पहले बताते हैं। ओके, तो गाइस देखो, जब ये कैंडल बना था मैंने बोला था इसके ऊपर बाय करना है, तो हमने ऊपर गैप अप ओपन होते ही बाय किया था और यहाँ से यहाँ तक का ऑलमोस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद जब ये कैंडल बना है, ये कैंडल बनने के बाद दोबारा इस कैंडल पे हमने शॉर्ट किया था और यहाँ से यहाँ तक भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया था। ओके, तो सिर्फ इस पोर्शन में हमने क्या किया था, प्रॉफिट बुक किया था। ओके, बाकी पूरा छोड़ दिया हमने, क्योंकि मार्केट साइडवेज था, इतना प्रॉफिट नहीं होता। जो थीटा है वो डीके, प्रीमियम डीके होने की वजह से हमारा लॉस ही होता। तो फर्स्ट ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट पे हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया। अगर आप भी प्रॉफिट बुक किए हो तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। ओके, तो प्रीवियस लॉस को डिलीट करके डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं, तो कैसा कैंडल फॉर्म हुआ है। तो गाइस देखो, एकदम सिंपल सा इनसाइड बार कैंडल बना है। अगर आपको इनसाइड बार कैंडल का स्ट्रेटजी पता नहीं है तो आप काइंडली प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, आप वो देखो, सीखो, उसके हिसाब से ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओ। तो मैंने कल भी बोला था इनसाइड कैंडल बना सकता है आपको, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो हमारे एनालिसिस तभी आपको पता होगा। ओके, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आज का हाई और लो मार्क करना पड़ेगा। ओके, सिंपल, और कोई भी स्ट्रेटजी हाई और लो सिर्फ मार्क करना है आपको। और ये देखिए, एक कंसोलिडेशन जोन थी और एक फ्लिप जोन भी आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो एरिया है एक फ्लिप जोन जैसा है, जब भी इस एरिया में कोई भी कैंडल आया है, देखो हर कैंडल साइडवेज जैसा ही गया है। ओके, तो सिंपली आप अभी 15 मिनट्स के चार्ट पे जाना पड़ेगा। और गाइस देखो, सिंपल इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है और कुछ नहीं, इसके हाई के ऊपर बाय करना है। जो पेंडिंग गैप है ये क्लियर कर देगा, अगर ऊपर जाता है तो इतना तक प्रॉफिट देगा, और इसके लो के नीचे आपको सेल करना है, ठोक देना है और कुछ नहीं करना है। और नीचे का टारगेट चाहिए तो देखो, ये वाला जो लो है ये आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। ओके, तो बैंक निफ्टी एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, 5 मिनट्स के एक बार चार्ट पे जाकर फिर भी देख लेते हैं। ओके, ऊपर 200 मूविंग एवरेज भी है, तो अभी कोई भी नैरोडाउन अभी नहीं करूंगा, अगर करना होगा तो मैं कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में हमने क्या किया, सिंपली मैंने बोला था आपको लेवल जैसा 16,675 के ऊपर आपको बाय करना था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, होने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद दोबारा अपसाइड का रैली स्टार्ट किया। ओके, तो हमने इस पे कब एंटर किया था, क्योंकि एक टाइम में दो ट्रेड तो नहीं ले सकते थे। जब निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर पिन बार जैसा कैंडल बनाया था, तो निफ्टी ने भी ऐसा ही कैंडल सेम स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, तो हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। ओके, तो इस पोजीशन में हम निफ्टी में ट्रेड नहीं ले पाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे थे। जब ये मेरा फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट टारगेट को हिट करके जब ये कैंडल इसको ब्रेकआउट किया है, तब हमने एंटर किया था, और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट जो है हमने बुक किया। हमारे एनालिसिस के हिसाब से आप ट्रेड करते तो आपका भी प्रॉफिट होता, क्योंकि इस कैंडल पे बाय करते और इस कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस लगाते और मार्केट सीधा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। तो गाइस फटाफट बताओ किसने कितना प्रॉफिट बुक किया। तो प्रीवियस लोस को डिलीट करते हैं और क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल है क्या। अच्छा, यहाँ पर इनसाइड कैंडल नहीं है गाइस, यहाँ पर डोजी कैंडल है, तो ये अच्छा रेजिस्टेंस पे खड़ा है। ओके,
तो डोजी कैनल का अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं पता है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट पे हमारा वीडियो ऑलरेडी है, वहाँ पर चेक कर लो, उसके हिसाब से ट्रेड करना। तो इसका भी हाई और लो हमको मार्क करना पड़ेगा, आज का जो कैनल है इसका हाई और लो हमको मार्क कर लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो हाई मार्क कर लिया मैंने, लो भी मार्क कर लिया, तो अब जाना पड़ेगा 15 मिनट्स के चार्ट पे। और देखो हाई और लो मैंने मार्क कर लिया, एक बार फिबो को प्लॉट करके देखते हैं इस लो से इस हाई तक मार्केट अभी कहाँ पर है ये देख लेते हैं। ओके ओके गाइस, देखो मार्केट अभी कहाँ पर है, मार्केट 50% से रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लेकर ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया है, मतलब आप मान सकते हो 38% से रिजेक्शन लिया है, तो मार्केट अप मूव दे सकता है, यहाँ से ऊपर कंटिन्यू कर सकता है अपना रैली। तो हम क्या करेंगे, फिबो को सबसे पहले रिमूव करेंगे, फिबो की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाय करना है आप एक काम करना, इसके ऊपर आपको बाय करना है, इसके नीचे आपको सेल करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। ओके, अगर आपको टारगेट चाहिए आपको डाउन साइड में ये वाला टारगेट मिल जाएगा और अप साइड में आपको ये वाला टारगेट मिल जाएगा। अगर इससे भी आपको ज़्यादा टारगेट वगैरह चाहिए, अगर गैप अप ओपन होता है तो टेलीग्राम पे आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना इसलिए। ओके, तो 5 मिनट्स के चार्ट पे जाकर एक बार हो सकता है तो नैरो डाउन कर देते हैं। ओके, देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे आ चुके हैं। तो गाइस नैरो डाउन करने के लिए तो कर सकते हैं, ओके कर ही देते हैं आप लोगों के लिए, ओके और आसान कर देते। तो गाइस ये वाला जो स्विंग है इस स्विंग के ऊपर आपको बाय करना है। ओके, और इसके बीच में जो एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके बीच में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसके बीच में ट्रेड लेना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। तो गाइस जैसा बोल रहा हूँ वैसे एनालिस्ट फॉलो करो और प्रॉफिट कमाओ, और अगर प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो फटाफट कॉन्टैक्ट करो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलना, अगर ज्वाइन करोगे फायदा आपका ही होगा। और गाइज अभी तक वीडियो देख रहे थे एक लाइक करना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और गाइज हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। गाइज अभी